हेलो एवरीवन, क्वेश्चन दिया गया है 2.68 इनटू 10 टू द पावर -3 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन आयन एन प्लस रिक्वायर 1.61 इनटू 10 टू द पावर -3 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस आयन। द ऑक्सीडेशन ऑफ एन प्लस टू AO3 माइनस इन एसिडिक मीडियम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग रेडॉक्स कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो MnO4 माइनस दिया हुआ है, तो MnO4 माइनस मतलब कि यहाँ पर Mn का अगर देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो +7 है, और वो +7 से कहाँ पे जाएगा, Mn +2 पर। तो इसके लिए क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और वहीं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर घटा, तो यह फर्स्ट रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हुआ, और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहाँ से हो रहा है, An प्लस टू AO3 माइनस। तो An प्लस है और दूसरी तरफ है AO3 माइनस, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल है, तो X प्लस -2 इंटू 3 इक्वल्स टू -1, तो ये हो जाएगा X प्लस -6 इक्वल्स टू -1, एक्स इक्वल्स टू -1 +6, एक्स का वैल्यू जो होगा वो +5 होगा। तो ये एन प्लस से कहाँ जा रहा है, ये एन प्लस से A5 पर जा रहा है, A+5 पर जा रहा है। तो ये इसका कैसे पहुंचा होगा, जब यहाँ पर 5 n इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है, तो अगर ऐसा होगा तब ऐसा होगा। तो ये दोनों के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्यू ऑफ AN प्लस इक्वल्स टू इक्यू ऑफ KMnO4। अगर इसका इक्यू निकालना है तो हम लोग को क्या कॉन्सेप्ट लाना होगा, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू 1000, और यहाँ भी वही कंडीशन होगा, मोल्स ऑफ KMnO4, मोल्स ऑफ KMnO4 इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू 1000। तो 1000 तो दोनों तरफ है तो वो कैंसिल कर सकते हैं। अब बात आ रहा है मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर का, तो अगर An प्लस के मोल्स को देखें तो वो है 2.68 इनटू 10 टू द पावर -3, और वैलेंसी फैक्टर हो गया 5 n इलेक्ट्रॉन। 1000 तो कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, और अगर KMnO4 के मोल्स को देखें तो वो है 1.61 इनटू 10 टू द पावर -3 इनटू वैलेंसी फैक्टर आ गया यहाँ पर 5। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं एन का, तो 5 n/5 इक्वल्स टू हो जाएगा 1.61 इनटू 10 टू द पावर -3 बाय 2.68 इनटू 10 टू द पावर -3, -3 कैंसिल। अब हम लोग निकाल सकते हैं 5 n इक्वल्स टू हो जाएगा 1.61 इनटू 5 बाय 2.68, जो ऑलमोस्ट ये जो होगा ये वैल्यू 3 के ऑलमोस्ट होगा। और अगर हम लोग यहाँ से n का वैल्यू निकालें तो -n = 3 -5, तो -n = -2, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 2। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा n = 2। दैट्स ऑल, थैंक यू।